नमस्कार, आप देख रहे हैं यूनिवर्सल न्यूज टाइमलाइन और मैं हूं आपके साथ रवि शर्मा। अक्सर विवादों में रहने वाला जम्मू कश्मीर बैंक और अक्सर आमने सामने रहने वाले जम्मू के और कश्मीर के युवा, एक बार फिर से आमने सामने। आपको बता दें कि जिस तरह से बैंक पीओ की पोस्ट का नतीजा जो था वो निकाला गया और कश्मीर के जो उम्मीदवार थे 42% मेरिट उनको वहां पर रखा गया और जम्मू की बात करें तो 63% धरने हुए, प्रदर्शन हुए, सड़क मार्ग जाम करने की कोशिश की गई, जिसके बाद झुक गया जम्मू कश्मीर बैंक। और चेयरमैन जो हैं परवेज अहमद, उन्होंने आज सुबह ट्वीट करके एक जानकारी दी कि अब जो 40% जो कट ऑफ मेरिट है वहां पर जो भी उम्मीदवार 40 पॉइंट या उससे ज़्यादा जिन्होंने लिए हैं वो सभी जो हैं वो मेंस टेस्ट में बैठेंगे और उसके बाद अगली जो कार्रवाई होगी वो वहां पर होगी कि कौन कौन आता है नहीं, ये बात की बात है। कुछ लोग जो हैं वो अभी भी इस निर्णय से भी खफा हैं, इनसे हम जानेंगे। सर, जिस तरह से जम्मू कश्मीर बैंक जो है वो झुक गया और एक नया फैसला जो है लिया गया है, तो क्या कहना चाहेंगे आप, क्या सहमत हैं आप इससे? 8वीं क्लास में ना 3 बच्चे थे, ठीक है, तो बाप अपने बेटे पूछता बेटा कितने नंबर पे है, बोलते 3rd, ठीक है, क्योंकि क्लास में बच्चे ही 3 थे। ये यूएफ से हमने डिमांड रखी थी टॉप के 2500 बच्चे आने चाहिए, बट डेलिब्रेटेड ट्वीन वे से इन्होंने एक पॉलिसी बनाई। कश्मीर की डिस्ट्रिक्ट का मिनिमम कट ऑफ है 40, अब पता नहीं शायद से पुलवामा है किसी एक स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट का है, और 40 को ही कट ऑफ डिसाइड करिए ताकि सारे बच्चे अंदर कर दो। क्या हम सब ने 8 पोस्ट पर 10 के लिए कम्पीट किया हुआ है, 8 पोस्ट पर 40 या 50 के लिए कम्पीट नहीं किया है। यहाँ पर लाइब्रेरी में बैठे हैं, ये सबूत है, इस लाइब्रेरी की किताब है, इस लाइब्रेरी की चेयर्स, इस लाइब्रेरी के टेबल्स, हमारी सिटिंग के यहाँ पे सबूत है। हमने स्टार्टिंग से हमारी डिमांड रही है सिंगल कट ऑफ की, इसी पे आज भी अड़े हैं। ये जो इन्होंने हवा निकालने की हमारे मुहिम की कोशिश की है, ये हवा नहीं निकल रही, हवा की एक वेलकम स्टेप है जिसके लिए मैं चेयरमैन साहब की थोड़ी बहुत अप्रिसिएशन और साथ में गवर्नर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। गवर्नर साहब जे बैंक के कारनामों से बहुत अच्छी तरह से वाजिफ है, आते ही पहला स्टेटमेंट उन्होंने यही दिया था, और जो 582 आई की जो गलत ट्रीटमेंट हुई थी उन्होंने इनको इंडक्ट किया था। अभी मैं आपको रोकना चाहूंगा क्योंकि जम्मू के जो लोग हैं वो हमेशा इंसाफ मांगने के लिए निकलते हैं, और इंसाफ क्यों नहीं मिलता, उसका कारण क्या होता है? उसका कारण ये होता है कि हम इकट्ठे नहीं रह सकते। अभी अभी आप दिखा दें पीछे, अभी अभी यहाँ पर ये सब जो है इंट्रैक्शन हम आपसे अगर करने आए हैं, तो अगर आप यहीं से बिखर जाओगे तो इंसाफ फिर आपको कैसे मिलेगा? यही कारण है कि जम्मू के जो लोग हैं उनको हक नहीं मिलता है, यही कारण है। वही मैं आपके माध्यम से, ये मैं जम्मू के लोगों को, खाई जेके बैंक एस्पायरेंट्स तो नहीं, और भी बाकी एग्जाम्स के लिए जिन्होंने अपने हाथों की लड़ाई लड़ी है, कि ये समय है जाग उठने का, एक साथ होने का। इलेक्शन के समय में आपको जिस तरह से अभी 40 जो मेरिट रखा गया है, इससे आपको मतलब क्या परेशानी आने वाली है, क्या लगता है आपको कि इसमें क्या गलत है? सर, गलती इसमें यह है कि मैं उसके साथ नहीं बैठना चाहता जो 42 मार्क्स से आया है, मैं उसके साथ कम्पीट करूंगा जो टॉप 2500 में है। मुझे नहीं पता कि अभी क्या होने वाला है, अरे बैंक एसोसिएट का इसका 12th का रिजल्ट आने वाला है, ये बोलते हैं कि उसमें भी डिस्ट्रिक्ट वाइज जाएंगे। हमें, मैं यहाँ पे जेके बैंक को मैं एडवाइस करता हूँ कि 1200 में से अगर हमें 800 वैकेंसी भी आप जम्मू डिस्ट्रिक्ट को दे दो, हमें वो भी नहीं चाहिए, हम चाहते हैं टैलेंट आ जाए, क्योंकि हम वो हो रहे हैं जो अपनी स्टेट के साथ खड़े हुए हैं, अपने देश के साथ खड़े हैं। सर, आप क्या कहना चाहते हैं? सर, इन्होंने 40 कट ऑफ कॉमन किया, ले का इससे पहले कट ऑफ गया था 31, तो ले वाले तो बाहर हो गए, 40 कट ऑफ कर दिया, ले का बच्चा पहले तो क्वालिफाई था, अब अनक्वालिफाई कर दिया उसको, तो वो क्या करे, वो पहले तो मेंस की तैयारी कर रहा था, अब उसको समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं, कहां पे जाऊं, तो इन्होंने कुछ नहीं किया, 40 कट ऑफ कर दिया, 42 कश्मीर का था, वो 40 से 42 में भी ले, करगिल वालों, लद्दाख वालों की तो बात ही नहीं होती ना, बात ही हमेशा जम्मू और कश्मीर की होती है, उनका तो कट ऑफ ही 30 बन गया, इन्होंने कॉमन 40 कर दिया, तो ले वाला बच्चा उसको समझ ही नहीं आ रही मैं क्या करूं। मेरे को फोन कर रहा था ले से टुंडू में, एक मेरा दोस्त है, वो बोल रहा भाई मेरे को समझ नहीं आ रही 40 कॉमन कट ऑफ है, मैं मेंस की तैयारी करूं या क्या करूं? नहीं, ये जो जिस तरह से सिंगल कट ऑफ हो, हम चाहते हैं सिंगल कट ऑफ हो, स्टेट वाइज कट ऑफ हो, सिंगल कट ऑफ हो, हमारी यही डिमांड है। अब जैसे मेंस का रिजल्ट आएगा और बैंकिंग एसोसिएट का रिजल्ट आएगा, तो हम नहीं चाहते ये डिस्ट्रिक्ट वाइज कट ऑफ आए, क्योंकि नोटिफिकेशन में कहीं मेंशन नहीं था कि डिस्ट्रिक्ट वाइज कट ऑफ आएगा, ये चीज कहीं मेंशन नहीं थी, ना ही उन्होंने डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी शो की थी नोटिफिकेशन में, चाहे वो पीओ का नोटिफिकेशन हो चाहे वो बैंकिंग एसोसिएट का नोटिफिकेशन हो, कहीं पे इन्होंने डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी शो नहीं की। और जहाँ पर जिस तरह से पहले कश्मीर का अगर देखें तो वो 40s में था, और जम्मू का देखें तो 50s 60s में था, मतलब 60 थी था लेकिन कुछ जगह 50s में था जम्मू डिवीजन की अगर हम बात करें। क्या लगता है आपको कि जिस तरह से पहले कहा जा रहा था कि भेदभाव जो है वो जम्मू के साथ हो रहा है, कश्मीर के जो उम्मीदवार उनको खुश करने की कोशिश की जा रही है, यहाँ पर भी आपको लगता है कि एक बार फिर से वही चीजें सब हो रही है? बिल्कुल वैसे ही है, मेंस होगा, मेंस के बाद इन्होंने सर गेम क्या खेल लिया, मेंस के बाद होगा इंटरव्यू,
और उसमें एक चीज होती है मार्क्स नहीं शो होते, तो ये तो ले लेंगे कश्मीरियों को, हमें मार्क्स शो नहीं होंगे, वो तो होते हैं रिक्रूटमेंट के बाद मार्क्स शो होते हैं। तो मेन मुद्दा ही यही है, इनकी जो मेंटेलिटी है वो हमें सारा कुछ पता चल गया है, इनका मुद्दा ही यही है जम्मू को हटाओ। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? सर सीधी सी बात, उन्होंने गेम खेली है, इन्होंने ये किया कि चलो कश्मीरी में 40 नंबर है 40 कट ऑफ देते हैं, तो क्योंकि कश्मीरी में सारे इनको चाहिए चाहिए, इनको ये चाहिए कि कश्मीरी सारे अंदर ही हों, ये जम्मू वालों को बाहर निकाल सकते हैं, कश्मीरियों को बाहर नहीं निकाल सकते, लेकिन क्योंकि बल्कि कश्मीरी बच्चों की इसमें कोई गलती नहीं है, ये पीछे चलते हुए आ रहा है, पहले भी ऐसे हो चुका है, इसलिए हमारे गवर्नर सर ने आते ही 532 पोस्टों को डिट डाल दी। जिस तरह से कुछ दिन आपने देखा कि एक दो दिन प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर चला लगातार, और जो क्या मतलब जम्मू कश्मीर बैंक, आपको लगता है कहीं ना कहीं उनको लगा कि ये प्रदर्शन उग्र हो जाएगा और इस कारण उन्होंने ये खेला है सारा दाव? यस सर, सीधी सी बात, इलेक्शन का दौर है, उन्होंने ये खेल देंगे तो मेरे वोट्स बढ़ जाएंगे, इसलिए हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि सिंगल कट ऑफ आए, स्टेट वाइज सिंगल कट ऑफ आए, हम बस यही चाहते हैं, आगे जो भी रिजल्ट आए मेन का वो क्वालिफाई करेगा, जिसके पास मेरिट नहीं है सर वो ऑटोमेटिकली रेस से बाहर हो जाएगा। जेके बैंक अलग नहीं रिक्रूटमेंट कर रहा, IBPS करता है, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, सारे बैंक की एक ही, वो डिस्ट्रिक्ट वाइज कभी नहीं, उन्होंने कभी नहीं बोला इतनी पोस्ट, पीओ की भी जब रिक्रूटमेंट होती है ये कभी नहीं मेंशन होता, पंजाब को इतनी, जम्मू को इतनी, दिल्ली को इतनी, पीओ में मेरिट के बेसिस पे एक मेरिट बनाते हैं, इतना है जिस जो इसके ऊपर है, जो क्रीम है वो आके कम्पीट कर सकती है। 40 कट ऑफ आपके कितने नंबर थे? आऊंगा सर, मेरे मार्क्स 68.5 थे, 68.5 था जम्मू में, लेकिन मेरा 0.5 सेक्शनल कट ऑफ इंग्लिश में रह गया था। चलो सर मेरा तो अलग केस है, लेकिन मैं अभी अपने स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहा हूँ कि जिन्होंने इतनी मेहनत से की, मैं ये चाहता हूँ कि कट ऑफ 40 रहे 45 रहे ये मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि 1:10 की रेशियो होनी चाहिए प्रॉपर, चाहे वो 46 कट ऑफ बने, 52 बने, 53 बने, बट टॉप 2500 स्टूडेंट्स ही मेंस के लिए सिलेक्शन होने चाहिए। ये खोड़ी है कि 15,000 बच्चे आप मेंस के लिए लेके जा रहे हो, ये कौन सा सिलेक्शन प्रोसेस है? मैंने आज तक लाइफ में नहीं देखा। तो सबको जिन्होंने एग्जाम दिया था सबको बुला लेना चाहिए सर, मैं यही कह रहा हूँ, अगर आपने 40 श्रीनगर के लिए किया तो 30 कर देते, ले वाले भी अंदर हो जाते, तो उनको क्यों आपने छोड़ दिया पीछे? तो आप 30 कर लेते तो सारे बच्चे अंदर हो जाते, ये कोई एक प्रॉपर आपने कोई एक प्रॉपर ले लद्दाख वालों के साथ तो नाइंसाफी हुई है, क्योंकि उन्होंने 33-34 लाए थे और वो इन थे, लेकिन अब जब इन्होंने स्टेटमेंट निकाली है आज जो निकाली के 40 वाला कट ऑफ है, तो ले लद्दाख वालों के साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, वो तो बाहर हो गए, वो पहले इन थे, लेकिन अब जो स्टेटमेंट आई चेयरमैन साहब की तरफ से वो बाहर हो गए बेचारे, तो अब उनके लिए डिस्क्रिमिनेशन है, पहले जम्मू वालों के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, अब ले लद्दाख वालों के साथ। एक्चुअली जम्मू डिवीजन की जितनी भी हाई स्कोरिंग डिस्ट्रिक्ट है ना, जम्मू, सांबा, कठुआ, उधमपुर, जिनका मेरिट काफ़ी हाई गया हुआ है सर, इन्होंने क्या किया इस समय, जो 40 स्कोर इन्होंने सेट कर दिया एक, अब जितने भी इन्होंने सपोज करो जम्मू से 100 बंदा सेलेक्ट किया था इन्होंने अभी पहले, अब ऑटोमेटिकली बच्चा हो गया 500-600 जो कम्पीट करेगा, पोस्टें उतनी ही रह गई हैं और कंपटीशन और ज़्यादा बढ़ा दिया, मिलनी तो उतनी है, तो हमारी हालत और बेकार हो चुकी है। इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है ना कि जो बात है 60 वाला आएगा, 68 वाला, 40 वाला बाद में। सर हमें चाहिए स्टेट वाइज एक सिंगल कट ऑफ हो, जिसके बेसिस पे जितने बंदे बनते हैं उतने बीच में आए, 2500 स्टूडेंट्स। सर पहले तो ये कल तक ये लड़ाई थी जम्मू और कश्मीर के बीच में, आज ये लड़ाई कर दी गई कश्मीर और लद्दाख के बीच में, कश्मीर और जम्मू के बीच में, अब ये लड़ाने की कोशिश कर दी गई जम्मू के JNK के तीनों खितों को। और एक चीज़ और, मैं गवर्नर साहब से ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ, सबसे पहले इसका पूरा प्रोसीजर IBPS फॉलो करे, मेन से लेके इंटरव्यू तक हर एक चीज़ IBPS कंडक्ट करे, और इसके बाद जो 250 बंदों की जो पोस्ट है वो लिस्ट बैंक को हैंडल करे और हैंड ओवर करे, उसके बाद ये इसकी ज्वाइनिंग हो जाए। और एक प्रोसेस सर, और सर मैंने एक बात बोली, एक बात 40 मार्क्स देके 40 मार्क्स कट ऑफ डाल के ये खुद डिस्प्यूट में है, उस बंदे के 0.5 इंग्लिश का कट ऑफ रहता है, इन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया, 40 तो कर दिया, सब्जेक्ट वाइज कितना कट ऑफ है, और उस बंदे के 68 आ रहे हैं, वो इंग्लिश सेक्शनल कट ऑफ से बाहर है, उसको तो पता ही नहीं वो इन या आउट है, ये खुद डिस्प्यूट में है ये रिजल्ट। आप एक बात बताओ, हम एग्जाम के लिए पहले तैयारी करें इतने महीने, उसके बाद एग्जाम दे, उसके बाद क्या अब हम प्रोटेस्ट पे भी आए ताकि रिजल्ट अच्छा है? हम क्या यही करते रहे पूरी जिंदगी? शुक्रिया। ये थे कुछ उम्मीदवार जो अभी भी, जिस तरह से जम्मू कश्मीर बैंक का जो निर्णय लिया गया है अभी भी उस निर्णय से ये लोग खुश नहीं है, और खासकर लद्दाख की बात करें तो इनका ये भी कहना है कि लद्दाख जिस तरह से 31 मेरिट वहां पर जा रहा था और अब लद्दाख के जो उम्मीदवार हैं वो बिल्कुल बाहर हो गए। जम्मू की बात ये कर रहे हैं कि जम्मू के साथ भेदभाव है, और अगर इनकी एकता जो है इसी तरह खुद में नहीं होगी, ये बिखरते रहेंगे, तो हमें नहीं लगता कि इनको इंसाफ मिलेगा। अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि क्या जिस इंसाफ की मांग ये कर रहे हैं क्या इनको वो इंसाफ मिल पाएगा या नहीं। रवि शर्मा,
यूनिवर्सल न्यूज़ टाइमलाइन जम्मू।